व्हाट्सएप पे आपको ऐसा मैसेज ज़रूर आया होगा जिसमें आपको टेक्स्ट कुछ अलग ही दिखेगा, मतलब कि कुछ नॉर्मल से बोल्ड होंगे, थोड़े मोटे लाइन्स हैं, कुछ अलग तरीके से रहते हैं जो मैसेज आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक दोस्त, आपका टेक दोस्त में स्वागत है। और मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप पे बोल्ड, इटैलिक और स्ट्राइक थ्रू और फॉन्ट चेंज करके मैसेज कैसे भेजते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप खोल लीजिए, देख रहे होंगे पहला हियर इज द लिखा हुआ है, ये जो है बोल्ड में लिखा हुआ है, दूसरा इटैलिक में लिखा हुआ है, तीसरा स्ट्राइक थ्रू है और चौथा ये फॉन्ट चेंज करके लिखा हुआ है। ये मैंने किया है, भेजा है। तो इस तरह के मैसेज कैसे भेजते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ बोल्ड के बारे में। तो अगर आपको कुछ बोल्ड भेजना है तो आप नॉर्मली आई, मैं लिखता हूँ नॉर्मल, उसके बाद डबल स्टार दीजिए। डबल स्टार देने के बाद अब डबल स्टार के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो बोल्ड लिखा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम। अगर मैं यहाँ सेंड करता हूँ तो देख लेंगे आप, ये जो लास्ट में मैसेज गया आई तो नॉर्मल है लेकिन ए एम बोल्ड है। उसी तरह मैं इटैलिक करता हूँ, इटैलिक के लिए होता है अंडरस्कोर। अगर आप जो भी लिखेंगे अंडरस्कोर के अंदर तो चला जाएगा इटैलिक। तो यहाँ मैं अंडरस्कोर यहाँ है, लेकिन डबल अंडरस्कोर कर्सर को बीच में रख डालिए और मैं यहाँ लिखता हूँ टेक दोस्त, यहाँ चला गया, देखे होंगे। उसी तरह ये आप ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा कि आप अंडरस्कोर दे रहे हैं तो अंडरस्कोर के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ मैंने स्पेस दे दिया और कर्सर बीच में रखता हूँ, तो यहाँ ये काम नहीं करेगा, देख रहे होंगे ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको दोनों बीच में होना चाहिए, उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ टेक दोस्त लिखूँगा, टेक दोस्त, देख रहे होंगे टेक दोस्त इटैलिक हो चुका है। उसके बाद आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के लिए होता है ये साइन के बीच में आप जो भी लिखेंगे, देख रहे होंगे स्ट्राइक, तो बीच में एक लाइन आ जाता है। अगर मैं कुछ भी और टेक्स्ट लिखता हूँ, आप ये यूज कहीं भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल मैं लिख रहा हूँ हियर इज, उसके बाद मैं स्ट्राइक टू ऑप्शन देना चाहता हूँ तो स्ट्राइक टू के बाद टेक दोस्त, देख रहे होंगे। तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका। उसके बाद लास्ट चेकआउट न्यू फॉन्ट्स कैसे देखते हैं करके, उसके लिए आपको ये साइन, आप देख रहे हैं तीन बार ये साइन दीजिए। उसके बाद आप जो भी लिखेंगे यहाँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ टेक दोस्त, उसके बाद टेक दोस्त, फिर से ये तीन बार साइन, देखे होंगे फॉन्ट चेंज हो चुका है। तो ये था बहुत ही सिंपल कूल ट्रिक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और एक और चीज़, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए, आपका कोई अगर वीडियो काम का दिखता है तो ज़रूर ज़रूर जाकर वॉच कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।